हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब मैं हूँ गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी एफ 1 वन के समरी वीडियोस में हम लोग एफ आर ए की समरी वीडियोस बना रहे हैं और आज बारी आ गई है रीडिंग नई शुरू करने की जिसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स या फिर स्पेसिफिकली बताऊँ तो यहाँ पर हम मेजरली बात करने वाले हैं अबाउट रेशियो एनालिसिस This is one of the most simplest readings in FRA. You are going to love it. It won't take much of your time as well. तो ये reading तो simple है, but again हर video की शुरुआत में जैसा मैं कहता हूँ वैसा मैं अभी आपको वापस instructions दूँगा. अगर आपने ये रीडिंग पहले पढ़ी है तो फिर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है बिकॉज यू विल बी एबल टू समराइज एवरीथिंग इन वेरी वेरी लेस टाइम एज यूजल एंड अगर आप नए हैं और आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है बस जस्ट यू वॉन्ट टू चेकआउट इस रीडिंग में क्या है तो भी ये रीडिंग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी यानी कि इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस रीडिंग यू आर वॉचिंग दिस समरी वीडियो एकदम शुरुआत से तो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी ये मैं आपको एश्योर करता हूँ

नंबर वन टाइप ऑफ द फर्स्ट टूल थ्रू विच वी कैन डू एनालिस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रेशियो एनालिस अगर मैं यहाँ रेशियो एनालिसिस की बात करूं देन आई एम टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस टाइप नंबर वन इज द टाइम सीरीज एनालिसिस नंबर टू इज द क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस दोनों में अंतर क्या होता है समझिए <coughs> अगर कोई कंपनी है ठीक है सपोजिटली देर अ कंपनी ए बी सी लिमिटेड ओके अगर आप इस कंपनी के सपोजिटली ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी के फाइनेंशियल डेटा को कम्पेयर करते हैं विथ ईर टू थाउजेंड नाइनटीन एंड मे बी टू थाउजेंड एटीन और मे बी अर्लीयर अगर आप इस तरह से कम्पेरिज़न कर रहे हैं तो ओबियसली यू कैन मेक अ कम्पेरिजन यर यू कैन डू योर एनालिसिस यूजिंग रेशियोज़ सो द टाइप ऑफ एनालिसिज दैट यू आर डूइंग इज टाइम सीरीज टाइम सीरीज क्यों बिकॉज आप सेम सब्जेक्ट पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है एंड उसी सेम सब्जेक्ट पे यू आर सेंग दैट यू आर बेसिकली कंपेयरिंग योर रेशियोज अक्रॉस टाइम एंड हेंस द नेम टाइम सीरीज एनालिसिस क्या ये उल्टा हो सकता है येस yes, ये उल्टा भी हो सकता है इट कैन ऑल्सो बिकम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्रॉस सेक्शनल काफ़ी अलग है उसमें आप किसी सेम योर पे दो कंपनी की एनालिसिस करोगे ओके सो मे बी एक कंपनी आप एनालाइज करो ए बी सी लिमिटेड दूसरी कंपनी आप एनालाइज कर रहे हो एक्स वाई जेड लिमिटेड सो बेसिकली दीज टू कंपनीज आर बींग कंपेयर्ड फॉर द सेम टाइम पीरियड देन दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल आई थिंक यहाँ पे क्लियरली एक डिफरेंस आपको पॉइंट आउट कर ही लेना चाहिए दैट टाइम सीरीज में देर विल बी ओनली वन सब्जेक्ट बट टाइम पीरियड विल बी मल्टीपल यस द पॉइंट मल्टीपल पीरियड्स वहीं पे अगर मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करूं तो वन प्लस यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे हमारे और जो हमारा ईयर होगा वो सेम ईयर होगा जो एनालिसिस है वो सेम ईयर की होगी सो so, ये एक बेसिक डिफरेंस है ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट यू कैन डू आउट ऑफ रेशियोज रेशियोज के अलावा आप फाइनेंशियल एनालिसिस और भी तरह से कर सकते हैं जैसे कि कॉमन साइज एनालिसिस कॉमन साइज एनालिसिस में बेसिकली आप बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉमन साइज में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डूइंग द कॉमन साइज एनालिसिस यू आर बेसिकली नेग्लेक्टिंग द साइज इफेक्ट इस चीज़ को मैं बार बार बता चुका हूँ अभी तक अपने समरी वीडियोस में भी दैट इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू कंपनीज़ वन ऑफ विच इज़ अ स्टार्टअप एंड द अदर इज़ अ फुल फ्लेजेड कंपनी तो ऐसे में दोनों को कंपेयर करने से एक साइज का बायस तो आ ही जाएगा दिमाग में इफ़ यू डोंट वॉन्ट दैट बायस इफ यू वॉन्ट अ कंप्लीट कंपेरिजन एंड इग्नोरिंग द साइज़ इम्पैक्ट तो उसको आप करने के लिए कॉमन साइज एनालिसिस करें और कॉमन साइज एनालिसिस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों बेसिस पे होता है इनफैक्ट कैशलोस पे भी होता है हमने ये बात भी पढ़ी है लास्ट क्लास में अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह की यहां पे आपको बैलेंस शीट बनाने को मिल सकती है इफ़ यू आर डूइंग वर्टिकल कॉमन साइज देन आप टोटल एसेट्स के हिसाब से अपने सारे आइटम्स को प्रेजेंट करते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो वो एक तरह का टाइम सीरीज एनालिसिस है और वहां पर आप बेस ईयर के मुकाबले अपने सारे आइटम्स को प्रेजेंट कर रहे हैं सो so, दो तरह से कॉमन साइज एनालिसिस हो सकती है इनकम स्टेटमेंट में बहुत सिंपल है आप रेवेन्यू के हिसाब से हर आइटम को प्रेजेंट करते हो नेक्स्ट अप इज अदर्स अदर्स में दो तरह के यहाँ पे एनालिसिस है एक है ग्राफ और एक है रिग्रेशन एनालिसिस यानी कि आप चाहो तो ग्राफ्स और रिग्रेशन एनालिसिस की भी मदद से ये काम कर सकते हो हाव एवर द सेम थिंग हैज नॉट बीन गिवन इन डिटेल्स ये मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा डिटेल्स में ये mentioned नहीं है ओके okay, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की बारी आ गई जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोस हेयर एक्टिविटी रेशियोज़ में आप देखिए बहुत सारे नाम हैं जैसे कि इन्वेंट्री टर्न है डेज ऑफ इन्वेंट्री है रिसेबल टर्न है एवरेज कलेक्शन पीरियड है पेबल्स टर्न है और नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ पेबल्स है मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कोई भी टर्न ओवर रेशियो का जो लॉजिक होता है कोई भी रेशियो उठा लो उसका लॉजिक यही होता है उसका प्रेजेंटेशन में ऊपर होता है या तो टर्न या टर्न से रिलेटेड कोई भी टर्म ठीक है वेन आई से टर्न ओवर और टर्न ओवर से रिलेटेड कोई भी टर्म तो मैं यहाँ पे कई सारे टर्म्स को यहाँ पे कैप्चर करना चाहता हूँ जैसे कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कैप्चर सी ओजीएस फॉर माई इन्वेंट्री टर्न ओवर आई वॉन्ट टू कैप्चर क्रेडिट सेल्स फॉर माई डेटर टर्न ओवर आई ऑल्सो वॉन्ट टू कैप्चर क्रेडिट परचेज फॉर माई क्रेडिटर्स टर्न ओवर सो बेसिकली यहाँ पे टर्न या फिर सी या फिर क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट परचेज कोई भी आइटम लिया जा सकता है न्यूमरेटर में बट सबका एसेंस एक जैसा सा है यू आर टेकिंग टर्न ओवर इन दिट टॉप एंड इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा एवरेज बाय द नेम तो जिसका भी नाम है इन्वेंट्री टर्न के आगे आप उसी का नाम यहाँ पे पुट कर देंगे गॉट द पॉइंट जैसे द द फॉर्मलाइज फॉर इन्वेंट्री टर्न देन आपका नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको या अभी वापस कर देता हूँ लॉजिक बहुत सिंपल है आप नीचे एवरेज इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे वाला जो आइटम है वो है बैलेंस शीट का आइटम और ऊपर वाला जो आइटम है वो है इनकम स्टेटमेंट का आइटम एंड दोनों को कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो पूरे पीरियड के लिए होता है और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर होता है एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट टेक क्लोजिंग वैल्यू और ओपनिंग वैल्यू एंड एंडहेंस वी टेक द एवरेज ऑफ द टू गॉट द पॉइंट सो दैट इज द अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस टर्न ओवर फार्मूलाज एंड ये आप देख सकते हो कहीं पे भी देखोगे तो आपको नीचे हमेशा एवरेज देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर आप किसी भी टर्न ओवर रेशियो से उसका डेज निकालना चाहते हैं तो वो फार्मूला बहुत सिंपल है की 365 सिक्सटी फाइव इन द टॉप और मे बी थ्री सिक्सटी इन द टॉप एंड देन डिवाइडेड बाई द टर्न ओवर रेशियो जो भी आपका टर्न ओवर रेशियो है उससे डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल फाइंड दैट ऑल द फार्मूलाज आर अलाइंड विद द सेम लॉजिक ये सारे में लॉजिक

करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओटी करेक्ट हम सब ने ये अपने बी कॉम वी कॉम के दिनों में पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है बट लेट मी क्लियर दिस फैक्ट ये है एक डिडक्टिव फार्मूला ये है एक अडिक्टिव फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले अपने तरह से सही हैं गलत नहीं है बट अपने सी एफ ए के लिए अपने क्विक रेशियो का फॉर्मूला अगर याद करना ही है तो हम इस तरह से याद करेंगे गॉट द पॉइंट हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिमेंबरिंग क्विक रेशियो है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें एंडहेंस दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट रिमेंबर दैट क्विक रेशियो विल हैव कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड रिसेबल्स इट वुड डेफिनेटली नॉट हैव स्टॉक एंड प्रीपेड देयर तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले सिमिलर हैं लेकिन फिर भी हमें इधर के फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना है नेक्स्ट बेस कैश रेशियो कैश रेशियो में जो आपका न्यूमरेटर है उसमें से रिसबल्स और गायब हो गया तो फिर वो कैश रेशियो बन गया डिफेंस इंटरवल या फिर इसे बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो भी बोलते हैं दिस इज आल्सो सिमिलर यू हैव द सेम न्यूमरेटर हेयर बट डिनोमिनेटर में डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आप अगर कैश कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास कहीं से वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ नहीं भी हो रहा है तो भी आपके जो लिक्विड रिसोर्सेज हैं उससे आप कितने दिन ऑपरेट कर पाओगे डिफेंसिवली सो दैट इज़ द डिफेंस इंटरवल एंड ऑल्सो वी हैव कैश कन्वर्जन साइकिल विच इज़ नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री जिसमें रॉ मटेरियल का डेज भी आ रहा है डब्ल्यू डेज भी आ रहा है और फिनिश गुड्स का डेज भी आ रहा है एंड देन यू आर एडिंग डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग एंड डिडक्टिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ पेबल्स सो टेक्निकली दैट्स अ कंप्लीट पैकेज

लिक्विडिटी रेश्यो जो होता है ना वो किसी भी कंपनी का शॉर्ट टर्म में जो उसका आ, मैं कह सकता हूँ अबिलिटी है शॉर्ट टर्म की ऑब्लिगेशंस को पे करने का जो अबिलिटी है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी और वहीं पे सॉल्वेंसी को हम कहते हैं अबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म्स ऑब्लिगेशन्स अबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ठीक है अब आप बोलेंगे इसको समझा दीजिए तो समझा देता हूँ बहुत सिंपल है अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म में लोन्स लेते हैं ठीक है या फिर क्रेडिटर्स की कोई उधारी है ये सब जो छोटे मोटे खर्चे हैं कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये सारे आपके करेंट लाइबिलिटीज़ हैं आप क्या करेंट लाइबिलिटी को पे ऑफ़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो होता है लिक्विडिटी रेशियोज के थ्रू और वहीं पे आपने जो लॉन्ग टर्म में डेट लिया है या फिर में और कोई आपका लॉन्ग टर्म कोई भी तरह का आपका फाइनेंसिंग सोर्स है क्या आप उनको चुका पाओगे पैसे उसके लिए हम करते हैं सोलवेंसी एनालिसिस सो शॉर्ट टर्म की फंडिंग के अगेंस्ट आपकी पेबिलिटी क्या है क्रेडिट वर्थिनेस क्या है वो चेक करते हैं लिक्विडिटी से और अदरवाइज सॉल्वेंसी से यहाँ पे आप सारे फार्मले देखेंगे ये सारे फार्मूले बैलेंस शीट ओरिएंटेड है एंड दैट इज़ वाई यू वुड नॉट सी एनी एवरेज है यहाँ पे कोई एवरेज नहीं है क्योंकि टॉप का आइटम भी बैलेंस शीट का है और बॉटम का आइटम भी बैलेंस शीट का है तो एवरेज करने का दरकार यहाँ पर नहीं है यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज फार्मूलाज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में अगेन आई हैव हैंड पिक्ड सिक्स रेशियोज हेयर हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके बुक में मेंशन लेकिन फिर भी ये सिक्स सबसे बेस्ट फॉर्मूलाज हैं जिनको आपको यूज़ करना ही पड़ेगा क्वाइट फ्रीक्वेंटली नंबर वन इज़ जी पी रेशियो विच इज़ वेरी सिंपल जी पी बाई सेल्स इंटू हंड्रेड ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन बोल सकते हैं आप इसे दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स वेरी सिंपल यहाँ जी पी टॉप में यहाँ ओ पी टॉप में देन वी हैव एम पी मार्जिन वेर एन पी बाई सेल्स इंटू हंड्रेड देन यू हैव रिटर्न ऑन एसेट नाउ दिस

हाउ डू यू कैलकुलेट इट यू टेक नेट इनकम यू sorry subtract the preferred dividends from it so you get पाफे profit available for equity shareholder divided by average common equity. यहाँ एवरेज कौन किया गया उसका मतलब वापस समझ लीजिए यहाँ पे आप जो टॉप में ले रहे हैं ठीक है यहाँ पे भी आप एवरेज इक्विटी वैसे कर सकते हैं सो so यहाँ पे टॉप में जो है वो है एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम और बॉटम में जो है वो बैलेंस शीट का आइटम एनहेंस बैलेंस शीट के आइटम को एवरेज करना जरूरी है आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम डी जहां पे हम टू पॉइंट एनालिसिस के बारे में बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल एज वेल ये एनालिसिस बेसिकली आपको ये कहता है कि आर ओ ई को आपको सिर्फ देख करके एनालाइज नहीं करना चाहिए कि कंपनी अच्छी है कि बुरी यू शुड एक्चुअली डिकम्पोज यूर आर ओई टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आर ओ एग्जाम्पल के तौर पर इफ यू आर वेरी हैप्पी बाई लुकिंग एट द आर ओ ऑफ ट्वेंटी परसेंट फॉर अ कंपनी ठीक है तो आपको सिर्फ ये 20 परसेंट आर ओई देख के खुश नहीं होना आना चाहिए कि अरे वाह ये कंपनी इक्विटी पे 20 परसेंट कमा के देती है यू शुड एंड फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट अगर हम ROE का देखें तो वो होता है नेट इनकम बाई इक्विटी सो बेसिकली हम इसी को तोड़ देंगे इट बिकम्स नेट इनकम बाई सेल्स सेल्स बाई एसेट्स एंड एसेट्स बाई इक्विटी ऑब्वियसली सेल्स कैंसिल हो जाएगा एसेट एसेट कैंसिल हो जाएगा सो विल बी लेफ्ट ओवर ओनली नेट इनकम इक्विटी लेकिन अगर हम ऐसा डिकम्पोजिशन करती हैं तो हम लोग को पे तीन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं नंबर वन इज नेट प्रॉफिट मार्जिन नंबर टू इज एसेट टर्नओवर नंबर थ्री इज लेवरेज सी देर इज नो प्रॉब्लम इफ दिस इज हाई देर इज नो प्रॉब्लम इफ दिस इज हाई बट देर इज अ प्रॉब्लम इफ दिस इज हाई अगर लेवरेज रेशियो के बढ़ने की वजह से आपका आर बढ़ रहा है तो वो बढ़त सस्टेनेबल नहीं मानी जाती लेवरेज रेशियो का मतलब हो गया कि आप कितना ज्यादा लोन ले रहे हैं सो इफ अ कंपनी इज टेकिंग लॉट्स ऑफ लोन एंड उसकी वजह से उसकी आर बढ़ रही है तो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज एंड इसका सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है सो so नंबर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना अच्छी बात है एसेट टर्नओवर बढ़ना अच्छी बात है बिकॉज दैट आल्सो मीन्स डैट द कंपनी इज एनालाइज इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स बेटर इन अ बेटर वे लेकिन लेवरेज रेशियो का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती सो so, इस चीज़ की सस्टेनेबिलिटी की जो एनालिसिस है उसको करने के लिए डू इक्वेशन करना ही चाहिए डिकम्पोजिशन ऑफ आर करना चाहिए फर्दर इसी ट्रेडिशनल वे को एक्सटेंडेड वे में भी पेश किया गया जहां आर को और फर्दर डम्पोज किया गया रैदर देन डिकम्पोजिंग इट इन टू ओनली थ्री आइटम्स नाउ वी आर डिकम्पोजिंग इट इन टू फाइव आइटम्स वेल द रियलिटी इज पीछे के दो आइटम्स को डिकम्पोज नहीं किया गया है सिर्फ फर्स्ट आइटम को डिकम्पोज किया गया है द फर्स्ट आइटम हैज़ बिन डिकम्पोज एज नेट इनकम बाई ई बी टी ई बी टी बाई ई बी आई टी एंड ई बी आई टी बाई रेवेन्यू अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं टैक्स बर्डन इंटरेस्ट बर्डन ई मार्जिन एंड रिमाइंडर दो फैक्टर्स तो वो के वही हैं एसेट टर्नओवर टर्न एंड लेवरेज रेशियोज सो तो ये भी एक तरह का तरीका होता है डू को पॉइंट एनालिसिस को एक्सटेंडेड वे में पढ़ने का सो दिस कैन ऑल्सो बी फिगर्ड आउट अगेन यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एग्जाम के लिए ये चीज़ समझनी होगी कि टैक्स बर्डन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके बिज़नेस पे या फिर इंटरेस्ट बर्डन का इम्पैक्ट क्या होगा और ई बी आई टी मार्जिन का इम्पैक्ट क्या होगा सो so, इस पर थोड़ा बहुत एनालिटिकली आपको सोच करके अपनी बुद्धि शेपअप करनी पड़ेगी नेक्स्ट आते हैं लर्निंग आउटकम ई में जहाँ पे इक्विटी एनालिसिस करने के लिए आपके पास में कितने तरह के रेशियोज़ हैं उनके ऊपर में हम बात करें आप पी ज़रूर देखते हैं जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यू डेफिनेटली लुक एट द पी ऑफ दैट शेयर तो पी ई जो होता है वो होता है प्राइस ऑफ दैट शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर कॉट द पॉइंट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर सो दिस इज़ वॉट यू डेफिनेटली लुक एट इससे आपको एक तरह से मैं कह सकता हूँ वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगता है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पी रेशियो फ्रैंकली बट ये yes, एक अंदाजा जरूर लगता है ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी ग्रोथ कंपनी की पी रेशियो को देख रहे हैं सो so उस केस में मैं पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ पेग रेशियो विच इज़ एक्चुअली पी ई डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेट क्लियर है सो इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू यूज पी रेशियोज वाईल फाइंडिंग सम गुड ग्रोथ कंपनीज तो मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ कंपनीज में डोंट यूज पी रेशियो रैदा यूज़ पेग रेशियो दिस इज वॉट आई हैव बिन डूइंग इन माई प्रैक्टिकल लाइफ सो आई टोल्ड यू दैट number 2 is p by cf which is priced by obviously cash flow per share uh, i think goes really relevant for those companies which has high operating cash flows p by s मे बी फॉर रिटेल ये काफ़ी बेटर एक तरीका हो सकता है यहाँ पे प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई सेल्स पर शेयर इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं पी बी इज़ रियली वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल कंपनीज फाइनेंशियल कंपनीज़ में पी बी रेशियो की एनालिसिस होती है विच इज़ प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर देन वी हैव डिविडेंड पे आउट रेशियो वेरी सिंपल टेक द डिविडें शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर इन टू हंड्रेड सो इफ अ कंपनी इज रिपोर्टेड Uh, EPS of 100 and is giving away 40 rupees as dividend per share, then the div dividend payout ratio is 40%. Got the point? नेक्स्ट एप इज रिटेंशन रिटेंशन डिविडेंड पे आउट का ही उल्टा होता है सो इफ डिविडेंड पे आउट इज फोर्टी परसेंट रिटेंशन विल बी सिक्सटी परसेंट हाउ डू यू कैलकुलेट दैट टेक हंड्रेड परसेंट माइनस उसमें से कर दीजिए पे आउट रेशियो को यू विल गेट योर रिटेंशन रेशियो फाइनली वी हैव सस्टेनेबल ग्रोथ रेट विच इज़ बी इन टू आर वेर बी इज योर रिटेंशन रेशियो आर इज योर आर ओ ई सो रिटेंशन रेशियो आपने ऊपर से लिया होगा उसमें आर ओ ई मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था नेट इनकम बाई इक्विटी सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स गेट योर सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट थियोरिटिकली इसका मतलब होता है दैट बिना कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के भी कंपनी इस रेट पे ग्रो कर पाएगी सो इट्स अ काइंड ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बिकॉज उसके लिए कोई एक्सटर्नल फाइनेंस की दरकार आपको नहीं है फाइनली देर आर सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज एज वेल जैसे कि रिटेल पे कुछ लागू होता है अलग अलग तरह के बिजनेसिस पे लागू होता है तो वहां पे भी आपको स्पेसिफिक रेशियोज के एनालिसिस जरूर एक बार देख लेनी चाहिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रेडिट एनालिसिस और क्रेडिट एनालिसिस बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी कंपनी की क्रेडिट वर्धिनेस को यहाँ पे बेसिकली एनालाइज करना चाहते हैं अगर किसी कंपनी की क्रेडिट वर्धिनेस को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको ईबिटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़रूर चेक करना चाहिए आमतौर पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ईबिट बाई इंटरेस्ट क्लियर है बट यहाँ स्पेसिफिकली आपने इबिटा वर्ड यूज किया सो यू आर गोइंग टू टेक इबिटा इबिटा लेना रेलिवेंट भी है क्योंकि आप जब इबिट लेते हैं तब आप उसमें से डिप्रिशन माइनस कर चुके होते हैं बट टेक्निकली डिप्रेशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर एंड दैट इज वाई इबिटा लेना ऑब्वियसली रेलिवेंट ज्यादा है सो इबिटा बाई इंटरेस्ट इज अ गुड वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देन यू हैव एफ एफ ओ विच इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई डेट सो ऑब्वियसली फॉर्मले में ही लिखा हुआ है टेक योर एफ एफ ओ डिडेड बाई टोटल डेट फ्री ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू डेट टेक योर सी एफ ओ मल्टी माइनस कीजिए इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है हम लोग वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को तो माइनस कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग सी एफ ओ बट ऑल दी एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी मेड इज नॉट डिडक्टेड सो हम उसे एडिशनली यहाँ पे माइनस करेंगे एंड वी विल डिवाइडेड बाई अवर टोटल डेट ठीक है दिस इज वेरी क्लोज टू एफ सी एफ ई ठीक है दिस इज़ वेरी क्लोज टू एफ सी ऑब्वियसली एफ सी एफ ये एक्चुअल में नहीं है लेकिन बहुत क्लोज है इसका न्यूमरेटर देन वी हैव इबिट मार्जिन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है जो ऑपरेटिंग मार्जिन आप पढ़ के आए थे ये वही चीज़ है ई बिट बाई सेल्स इन टू हंड्रेड वी हैव इबिटा मार्जिन गो सिंपल इबिटा बाई सेल्स इन टू हंड्रेड एंड ऑब्वियसली डेट टू इबिटा विच इज टोटल डेट बाई इबिटा सो दैट इज आई वुड से डिफरेंट सेट ऑफ रेशियोज दैट कैन हेल्प यू विथ क्रेडिट एंड फाइनली आई थिंक लर्निंग आउटकम एफ एंड जी हमारा बच रहा है जहां पे हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सेगमेंट एक्चुअल में क्या होता है आपने पॉसिबली uh, मेरे ख्याल से uh, जितने भी क्वार्टर रिजल्ट होते हैं या फिर में एनुअल रिपोर्ट होती हैं उसमें आपने सेगमेंट एनालिसिस कभी ना कभी पढ़ी होगी सो बेसिकली पहला क्वेश्चन तो आता है कि एक सेगमेंट क्या होता है तो देखो सेगमेंट बनने के लिए सबसे पहले हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि एक कंपनी हो ठीक है लेकिन वो कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करें और कई सारे डिफरेंट लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज में भी बिलोंग करे इसका अच्छा एग्जाम्पल वुड बी आई टी सी आई टी सी आप सभी जानते हैं सिगरेट बिजनेस में तो है ही इसके अलावा दे आर ऑल्सो इन टू होटल बिजनेस दे आर ऑल्सो इन टू एफ एम सी जी एंड मोर अदर थिंग्स एज वेल सो so बेसिकली इस तरह की कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज में आपको ये समझना पड़ेगा दैट ऑल दीज डिफरेंट लाइन्स ऑफ बिजनेसिस आर एक्चुअली डिफरेंट सेगमेंट्स इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली यही आता है कि एक सेगमेंट फिर होता क्या है तो देखिए सेगमेंट जो होता है वो होता है एक ऐसा बिजनेस का यूनिट एक सब यूनिट जिसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हो यानी कि उस बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उस बिजनेस पे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे फैक्टर्स बाकियों से काफ़ी अलग होने चाहिए सो इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस नंबर टू इट शुड कंट्रीब्यूट टू अबाउट टेन परसेंट ऑफ द सेल्स और इट शुड आस्क फॉर टेन परसेंट ऑफ़ द एसेट्स इन दोनों में से कुछ भी एक होना चाहिए यानी कि इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि सेल्स का दस परसेंट या फिर एसेट्स का दस परसेंट वहाँ पर इन्वॉलमेंट हो अगर ऐसा होगा तब हम उस सेगमेंट को या उस बिजनेस के यूनिट को एक सेगमेंट के तौर पर मानेंगे और हर सेगमेंट के लिए यूनी टू रिपोर्ट अर्टेंड रेशियोज या जैसे कि यूनी टू से टू योर स्टेक होल्डर्स कि आपके सेगमेंट का मार्जिन क्या आ रहा है मार्जिन है सिंपल टेक योर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू जैसा हम यूजुअली करते हैं टर्नओवर क्या चल रहा है सो टर्न ओवर के लिए फॉर्मूला होता है ऊपर में रेवेन्यू और नीचे में एसेट्स सो दिस इज काइंड ऑफ सेगमेंट्स और सेगमेंट्स एसेट टर्नओवर ओवर गॉट द पॉइंट सो आप ऊपर में ले रहे हैं रेवेन्यू नीचे में ले रहे हैं एसेट्स वी ऑल्सो कैलकुलेट आर सिंपल है प्रॉफिट बाई एसेट्स एंड डेट रेशियो जहाँ पे आप लाइबिलिटीज को ऊपर यानी कि आपने लॉन्ग टर्म डेट को ऊपर रखा है और डिवाइड किया है बाय योर सेगमेंट एसेट्स सो दिस वे यू कैलकुलेट योर डेट रेशियो एज वेल सो ये था अपना लर्निंग आउटकम एफ लर्निंग आउटकम जी एक थियोरिटिकल छोटा सा लर्निंग आउटकम था जिसको मैंने यहाँ पे स्किप किया उसकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है एंड इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज वेल सो आई स्कीप दैट लर्निंग आउटकम फ्राम दिस समरी वीडियो सो दैट्स इट दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव लाइक दिस इंटायर वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर प्लीज़ करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर अमेजिंग वीडियो कोर्सेज ऑन सी एफ एल एल वन दैन यू शूड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर इंपॉर्टेंट लिंक्स और कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड विल बी देयर टू सर्व यू दैट्स इट आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम वेरी एक्साइटिंग समरी वीडियो ऑन येट मोर रीडिंग ऑन एफ आर ए सो दैट्स इट अभी के लिए इतना ही मिलते हैं सी यू बाय टेक केयर